हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर घर की कहानी विद। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस दें। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई है और हमारे फेस ड्राई होते जा रहे हैं। स्किन अभी समझ में नहीं आता कि कौन सा मॉइस्चराइज़र हम लगाएं जिससे हमें 24 घंटे तक नॉन स्टिकी निखार मिले और चेहरा भी सुंदर दिखे, ऑयल ऑयल ना दिखे। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिव्यू टाइम में बहुत ही अच्छा और कम दाम का मॉइस्चराइज़र। तो चलिए बताती हूँ कौन सा मॉइस्चराइज़र लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इस ठंडी के मौसम में। इसे आप ठंडी, गर्मी, बरसात कोई भी सीजन में लगा सकते हैं, बट बेस्ट है सर्दियों के मौसम में ये मॉइस्चराइज़र। और मेकअप करने के पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर करें, उससे बहुत ही अच्छा मेकअप निखर कर आता है फ्रेंड्स। तो इस मॉइस्चराइज को आप मेकअप करने के पहले ज़रूर से लगाएं। तो चलिए बताती हूँ कौन सा मॉइस्चराइज़र आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं, और अपना पर्सनल रिव्यू मैं दे रही हूँ। तो आपको अगर ये मॉइस्चराइज़र अच्छा लगेगा लगाने के बाद, पहले ही नहीं लगाने के बाद, तो आप अपना क्लियर कट कमेंट ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए बताती हूँ कौन सा मॉइस्चराइज़र लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है लैक्मे का पीच मिल्क और ये न्यू है। इसका मैंने रिव्यू नेक्स्ट ईयर भी किया था बट वो थोड़ा लंबे में था, और ये न्यू आया है, न्यू पैकेजिंग है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन पैकेजिंग है, और इसको ऐसे मतलब गिराने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको इस तरीके से खोलेंगे। ये देखिए, अभी मैंने बहुत कम लगाया है, वैसे मैं हर विंटर में इसको ज़रूर से यूज़ करती हूँ। और दिखाती हूँ इसका आपको टेक्सचर, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है। ये देखिए, ना ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही ज़्यादा रनिंग है, और इसकी स्मेल तो गजब की है, लाजवाब है। आप कहीं भी जा रहे हैं डेली यूज़ में, आप इस मॉइस्चराइज़र को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद मॉर्निंग में इसको लगाइए। अभी चलिए मैं इसको आपको लगाकर भी पूरा दिखाऊंगी अपने फेस पर। अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है बस, ओनली आपको मैं लगाकर दिखाऊंगी। ये पीच मिल्क है, सॉफ्ट क्रीम है, विथ मॉइस्चराइज़र लॉक, नॉन स्टिकी है 24 आवर्स तक फ्रेंड्स। और इसकी प्राइस मात्र 105 रुपीज़ है। आपको ये अमेजोन ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट मैं अपना मार्केट से लेती हूँ। आप अगर मुझे मिलेगा इसका लिंक तो मैं दे दूँगी आप लोगों को, बट आप ज़्यादा बेहतर हो कि आप मार्केट से जाकर ख़रीदें। और ऐसे आपको लैक्मे के जैसे आजकल फ्रॉड भी आते हैं, तो आपको फ्रॉड नहीं मिलेगा, ये ओरिजिनल लैक्मे का है फ्रेंड्स। लैक्मे के नाम पे तो हमें कितने सारे फालतू प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बट ये लैक्मे आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। इसकी ओरिजिनल आप इसके डब्बे से देखिए, बहुत ही अच्छा है, और इसकी स्मेल गजब की लाजवाब है। ये हिंदुस्तान लेवर का भरोसा इसके साथ है, ट्रस्टेड है लैक्मे, आप जानते हैं एक ट्रस्टेड ब्रांड है, मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद है। तो चलिए इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर कर दिखाती हूँ। और इसको लगाने के बाद कुछ दिन, 1 वीक बाद ही आपको लगेगा कि मुझे ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इससे इतना अच्छा ब्लश आपके फेस पे आएगा, चेहरे पे, कि ब्लश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठंडियों के मौसम में वैसे ही आप निखरेंगे, जितने भी दाग धब्बे कुछ भी आपके फेस पे प्रॉब्लम है वो सब खत्म करेगा। ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र पीच क्रीम मिल्क भी है फ्रेंड्स, इसमें पीच मिल्क क्रीम है ये। तो चलिए मैं लगाती हूँ इसको। हम्म,
बिंदी हटा दो। तो बस आपको ऐसे अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे। आप देख सकते हैं, ये देखिए आंखों के आसपास, अपने चेहरे पे जितना आप मॉइस्चराइज यूज करेंगे उतना ही आपका फेस यंग, यूथफुल एंड ब्राइटनिंग, वाइटनिंग सब होता जाएगा आपका फ्रेंड्स। तो आप जरूर से लैक्मे पीच मिल्क लेकर देखिए, आपको ब्लश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरिजिनल ब्लश आपके फेस पे लगेगा और एकदम स्मूथ नाइस फ्रेगनेंस। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही धीमी धीमी है, बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी देर में आपके फेस पे पूरा अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसको लगाने के बाद आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपका फेस वैसे ही चमकेगा सुंदर। और विंटर में तो आप अगर कहीं घूमने उमने जा रहे हैं, मेकअप करना है आपको, तो मेकअप करने के पहले आप इस लैक्मे के पीच मिल्क को जरूर से पहले अप्लाई करें, देन मेकअप करें, तो आपका मेकअप जैसे फ्रेडी नहीं होगा, खिंचा खिंचा से नहीं लगेगा और आपका बेस भी कंफर्ट रहेगा, आपका बेस खराब नहीं होगा। जैसे हम लगाते हैं फाउंडेशन तो पैचीपन आता है, तो लैक्मे पीच मिल्क लगाने के बाद आप बेस को लगाइए, अपने फाउंडेशन को और जो भी चीज़ें वो सब लगाइए, कोई आपका हटेगा नहीं मेकअप, बहुत ही अच्छा मेकअप स्मूथ लगेगा और ओरिजिनल लगेगा, फेक नहीं लगेगा आपका मेकअप। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा मेरे चैनल को, और न्यू न्यू रिव्यू के लिए आप कमेंट में बताइए मैं और किस चीज़ की रिव्यू आप लोगों के लिए लाऊं, दवाइयों की, इसकी, तो मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय।